दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो देश आपके लिए अनजाना सा होगा। आप में से शायद ही कुछ लोगों ने ही उसका नाम सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज इस देश के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये वही देश है जिसने हमें और आपको जीन्स दी, जी हाँ, जिसे पहनकर हम बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लगते हैं। ये वही देश है जहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे लंबी होती हैं। दोस्तों इस देश को हरा भरा देश भी कहा जाता है। इस देश के लोग बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग ही क्या, पूरा देश ही ऐसा है जो लोगों से इंटरेक्ट होना पसंद नहीं करता। वेलकम करना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए दोस्तों इस अनजाने से दिखने वाले देश की आज हम आपको सैर कराते हैं, और इस देश का नाम है लात्विया। सुना है क्या पहले कभी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों लात्विया यूरोप का एक ऐसा देश है जिसकी गिनती यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से होती है, और इस देश की लड़कियां कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी लड़कियां हैं। दोस्तों इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, तो वही जनसंख्या लगभग 18 लाख है। लात्विया अपनी सीमाएं लिथुनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, रूस के साथ शेयर करता है। लात्विया की राजधानी रीगा है जिसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है, जिसमें से 60% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। दोस्तों ये देश 52% जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए तो इसे हरा भरा देश कहा जाता है। लात्विया की राजधानी में मौजूद सेंट्रल मार्केट पूरा यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट है। लात्विया में 500 से अधिक समुद्री बीचेस हैं दोस्तों, जहां पर आप खुलकर घूम फिर सकते हैं, खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों लात्विया के बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो ये है कि यहाँ के लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, इनको कम बोलने की आदत है, और ये विशेषता इनके कल्चर की है। पूरा देश कम बोलता है और आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा दोस्तों, लेकिन ये सच है कि इनको वेलकम करना भी नहीं आता, और यही वजह है कि यहाँ पर 10-15 सालों में कभी कभार ही कोई प्रोग्राम या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते। इनका मिजाज, इनका ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है, ये लोग बात करना अच्छा भी नहीं समझते हैं, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनको ये लोग अपने साथ मिक्स नहीं होने देते। ये लोग लोनली रहना भी पसंद करते हैं, अकेले रहना। इनको लगता है हम अकेले आए हैं और अकेले ही इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर आपने इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली है तो यकीन मानिए आपने दुनिया की सबसे रेयर चीज देख ली है। जी हाँ, अजीब से लगते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट का बहुत कोई खास वेलकम भी नहीं होता, क्योंकि वो काम इनको करना आता ही नहीं है। दोस्तों इसी के साथ इस देश की एक खास बात है, वो ये है कि इस देश ने दुनिया को जीन्स पैंट दी है। जी हाँ, आपको लात्विया को थैंक यू बोलना चाहिए अगर आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है। दरअसल दोस्तों ये जीन्स टेलर जैकब डेविस ने डिजाइन की 1871 में रेनो में। डेनिम का आविष्कार इसी देश में हुआ दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि लात्विया की महिलाएं यानी कि लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और इसी के साथ दुनिया की सबसे लंबी लड़कियां आपको यहीं देखने को मिलेंगी, और यही कारण है कि इन लड़कियों का सिलेक्शन बेहद ही इजिली बास्केटबॉल में हो जाता है, इसीलिए यहाँ की लगभग हर लड़की बास्केटबॉल खेलती है, लंबी जो है। और हाँ दोस्तों, शादी करने में ये लोग ज्यादा नानुकुर नहीं करती हैं, हाइट तो बिल्कुल भी नहीं देखती हैं, क्योंकि लड़कों की हाइट उतनी नहीं है जितनी लड़कियों की यहाँ पर है, इसलिए जो जैसा मिला उसके साथ ये अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों लात्विया के लोग अपनी भाषा पर बहुत गर्व करते हैं और इससे बहुत प्यार भी करते हैं। इस देश की भाषा लात्वियाई है जो कि यहाँ पर ऑफिशियली काफी ज्यादा फेमस है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश को प्रकृति ने भर भर कर उपहार दिए हैं। इस देश में 12,000 नदियाँ और 3,000 से भी ज्यादा झीलें हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में झरनों के भी क्या ही कहने। इस देश के पास यूरोप का सबसे बड़ा झरना है जो कि कुलदिगा गांव में है, और झरने का नाम है विंटास रुम्बा, और इस झरने के दीदार करने लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों इस देश के पास एक बेहद ही खास चीज है, वो है कारस्टो जेल होटल। जी हाँ, कहने के लिए तो ये होटल है लेकिन दिखता बिल्कुल जेल जैसा है, और आपको फीलिंग भी बिल्कुल जेल जैसी देगा। अगर आप कभी जेल जाने का शौक रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आपको बिल्कुल एक कैदी की तरह ट्रीट किया जाएगा। 20वीं शताब्दी के समय इसका उपयोग नाजी सोवियत अधिकारियों द्वारा किया गया था। आज यहाँ पर लोग आते हैं और कैदी जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों लातवियाई लोगों को बियर से बहुत ज्यादा प्यार है। उनका यहाँ बियर से एक अलग ही रिश्ता है। बियर स्पा भी है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर लोग अपने स्किन को ग्लो कराने के लिए बियर का यूज करते हैं। दोस्तों इस देश में बियर न सिर्फ पी जाती है बल्कि यहाँ पर लोग बियर से नहाते भी हैं। जी हाँ, बियर से भरे हुए टब में बैठकर आराम से नहाते हैं, यानी कि बियर के मल्टीपर्पज यूजेस किए जाते हैं। दोस्तों इस देश में आने वाले लोग इसकी राजधानी रीगा से एंटर करते हैं और यहीं से एग्जिट होते हैं। हमारे लिए भी यहीं पर रुकना जरूरी रहा। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी जगह है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्ट नोव्यू केंद्र, रीगा में एक केंद्र जहाँ हर कोने पर आपको कुछ खूबसूरती मिलेगी। आर्ट नोव्यू एक डिस्ट्रिक्ट है। 1904 से 1914 के बीच इसे एक घर के रूप में प्रभावशाली रूप में बनाया गया। इसे रीगा का पुराना शहर आप कह सकते हैं। शहर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये सबसे पुराना शहर भी, जिसमें कई रंगीन घर, अट्रैक्टिव रेस्टोरेंट्स, दुकानें और चर्चेज हैं। सड़कों पर टहलना और अपने आप में बातें करना यहाँ बहुत ही खास लगता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा एक सेंट पीटर चर्च, जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चर्च टावर से आपको एक शानदार दृश्य दिखाता है। सीरियसली दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेंट पीटर चर्च शहर के ठीक बीच में है और पुराने शहर और दोगावर नदी के दूसरे किनारे सहित पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाता है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है जिसके लिए आपको 9 यूरो देने पड़ेंगे। दोस्तों ये है बोस्का कैसल, रीगा के दक्षिण में। 1 घंटे से भी कम समय में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। एक ऐसे मोड़ पर स्थित होने के कारण अलग ही दिखता है, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। जरा देखिए इसकी खूबसूरती कितनी खास है। महल के चारों ओर घूमती ये नदियाँ आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। महल के अंदर जरूर जाइएगा क्योंकि इसके अंदर एक म्यूजियम है और जहाँ आपको इतिहास जानने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आप इस देश की संस्कृति को भी जान सकते हैं। दोस्तों ये है लिपाजा, लातविया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। लिपाजा देश के पश्चिम में और सीधे बाल्टिक सागर पर स्थित है। इस कारण से बंदरगाह शहर कई पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। फिर भी आपको कम ही लोग यहाँ मिलेंगे। दोस्तों यहाँ समुद्र तट अक्सर खाली रहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। लिपाजा के समुद्र तट पर हमने अब तक के सबसे शानदार सूर्यास्त को देखा है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ सबसे अच्छा सनसेट होता है। इसका एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। विशेष रूप से लिपाजा के पुराने किले के खंडरों को जरूर देखिएगा। कहते हैं कि यहाँ पर आपको जादुई माहौल मिलेगा। दोस्तों ये है रुंडेल पैलेस। लातविया में महलों की अच्छी खासी संख्या और हिस्सेदारी है। दोस्तों रुंडेल पैलेस निश्चित रूप से खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। बारोक इमारत का निर्माण 18वीं शताब्दी के दौरान ड्यूक ऑफ कॉर्लैंड के लिए किया गया था। महल पर काम करने के लिए जर्मनी और इटली से मूर्तिकार और चित्रकारों को लाया गया था, और तभी कहा जाता है कि इसका वास्तुकार बहुत ही खास था, और इसी वजह से ये अपनी वास्तु और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आई होप दोस्तों लातविया का ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये अनजाना सा देश कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।